मेरा नाम अभी के नजदीक का कबूर औलिया और पेशवा की ज्यादा करना अगर परस्ती समझते हैं और निचली बुत परस्ती और इसे हम शिरक समझते हैं, यानी खबर ज्यारत करना खबर परस्ती है और कबर परस्ती शिरक है और मिसल बुत परस्ती है। आप अपने मजहब के नजरिए साबित करें कि मजहब ज्यारत की कबूर करना कबूर ज्यारत करना जो है शिरक नहीं। शुक्रिया मोलिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा मौका दिया कि मिलके हम लोग अकायद पे कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करें। अब जैसे वहां भी हजरात एतराज करते हैं कि कब्रों पे जाना हराम है, शिर्क है, आइए हम कुरान मजीद से देखते हैं, अहादीस से देखते हैं कि कुरान मजीद ने आया हमें मना किया है। अगर मना किया है तो क्या मुसलमानों की कब्रों पे जाने से मना किया है या मुशरिकों की कब्रों पे जाने से मना किया है? कुरान ने अगर मना किया है तो मोमिनों की कब्रों पे जाने से मना किया है या मुनाफिकों? तो मौलाना ये कुरान मजीद की आयत मुबारक आप नोट करें, सूरह मुबारक है, तौबा है और आयत का नंबर जो है 84 है। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक है तौबा की 84वीं आयत में फरमा रहा है वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह व रसूल व मातू व हुम फासिकून। यानी यहां मुनाफिकीन की कब्र पे जाने से सरीहन मना है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिल रहा है मेरे महबूब आप जब कोई मुनाफिक मर जाए उसकी नमाज भी न पढ़ाए वला तकुम अला कब्र ही और मुनाफिक की कब्र पर आप खड़े भी ना हो। इन्नहुम कफरू बिल्लाह उन्होंने खुदा से कुफ्र किया रसूल खुदा के साथ कुफ्र किया वो मातू वहम फासिकून और फासिक होके मरे। अब आप देखिए दो हुक्म साथ हैं कि न आप उनका जनाजा नमाज पढ़ाएं न उनकी कब्र पर खड़े हो जाएं, वो भी अबदा कभी भी किसी वक्त भी खड़े होने की इजाजत नहीं है। अब यहां पर ये इशारा सरीहे मुनाफिक के लिए है कि नमाज भी मुनाफिक की नहीं पढ़ानी है उसकी कब्र पर भी नहीं खड़ा होना। मगर कुरान मजीद ने कहीं भी मना नहीं किया है कि मोमिन या मुसलमान की आप नमाज न पढ़ाए और उसकी कब्र पर खड़े ना। यानी ये आयत जो है बेहतरीन दलील है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ाना और उनका खड़ा होना कब्र पर उस साहिब कब्र उस कब्र वाले के लिए सबब रहमत है, सबब मफरत। इसीलिए मना फरमाया। और ये जो लफ्ज है अबदा कि कभी भी आप मुनाफिक की कब्र पर न खड़े हो उसके लिए नमाज जनाजा न पढ़ा यानी किसी वक्त भी जी। लेकिन अगर आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ डाले तिलावत कर डाले तो कहीं पर एक आयत आप नहीं दिखा सकते जिसमें खुदा ने यह कहा हो कि मुसलमान की कब्र पर आप मत जाइए कि मुसलमान या मोमिन की कब्र पे जाने से मना नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास अहादीस है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सही इब्ने माजा में बाब माजा की ज़ियारतुल कुबूर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ूरु अल कुबूर इन्नहा तुज़क्किरकुम अल आखिरह। यानी कुबूर की ज़ियारत करें आप क्योंकि कुबूर की ज़ियारत से आपको आखिरत याद आती है। वाकई हकीकत की है
इंसान अगर कबूर की जियारत पर कब्र की जियारत जाता है तो उसे क्या याद आता है? अपनी आकिबत आखिरत, उसका एक असर होता है इंसान की रूह पर, वरना इंसान एक दरिंदा वशी बन जाता है, या दुनिया परस्ती में गर्क है, या माल के पीछे जिंदगी गुजार रहा है, या लज्जत हराम शहवत। लेकिन जब इंसान कब्र की जियारत करता है तो उसके क्या तासरात होते हैं? इस मुख्तसर जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यानी ये बेहतरीन हिदायत भी है, कब्र की जियारत इंसान को हिदायत मिलती है। और इसके अलावा ये दूसरी हदीस आप नोट कर सकते हैं, सनन इब्ने माजा, मां बाप वही मां जा फी ज़ियारतिल क़ुबूर। रसूल खुदा ने फरमाया, कुंतु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क़्क़िदु फ़िद्दुनिया व तुज़क़्क़िरुल आख़िरा। अब ये इशारा है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मैंने पहले मना किया था कि आप क़ुबूर की ज़ियारत पे न जाए, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ, जाके ज़ियारत करो। इससे क्या ज़ोहद पैदा होता है दुनिया में, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकलेगी और आखिरत तुम्हें उसका तज़किरा यानी याद आएगी, आखिरत कब्र क़याम। क्योंकि तारीख में साबित है कि पहले मुशरिक जो थे वो अपने क़ुबूर को अपने बुजुर्गों के फोटो लगाते थे, अस लगाते थे और उनको सजदा करते थे। जाहिर है कि इससे तो कोई फिरका इस्लाम का जायज नहीं समझता कि कब्र को कोई सजदा करे या किसी अक्स को कोई सजदा करे। लिहाजा जब इस्लामी मुआशरा बना और इस्लामी हुकूमत आई, जो पहले राज जो था वो मुशरिकों का था, तो रसूल खुदा ने रसूल ने फरमाया कि पहले मना करते थे, लेकिन अब हम तुम्हें कहते कि जाओ कबूर की ज़ियारत करो, मुसलमानों की कबूर। क्यों? पहले मुशरिकों के कबूर पे जाने से मना, मुनाफिक की कबूर पे जाने से मना। फिर दूसरा हवाला सही मुस्लिम से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की, ज़ार नबी कब्र उम्मही फबका व अबका मन हौला। रसूल खुदा ने अपने वालिदा के कब्र की ज़ियारत की और गिरिया किया और जो अतराफी थे वो भी गिरिया करने लगे। यानी कब्र की ज़ियारत करना भी जायज है, सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्कि कब्र पे जाके गिरिया भी आप करें तो कोई माने नहीं है, वो भी सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और चौथी हदीस आप नोट कर सकते हैं, सही इब्ने माजा से है, हजरत आशिया रिवायत करती है, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख्खस फी ज़ियारतिल क़ुबूर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत क़ुबूर के लिए इजाजत दी थी। और सनन नसाई की और हदीस आप नोट कर सकते हैं, ये भी हजरत आशिया रिवायत है कि अमरनी रब्बी के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ज़ियारत क़ुबूर का तरीका पूछा गया कि कैसे ज़ियारत की जाए, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप जाए कब्रिस्तान कहें अस्सलाम अला अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्ताख़िरीन وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ। यानी बेहतरीन हिदायत है इस जुमले में, तो सलाम हो तुम पर, तुम जरा हमसे पहले वादी मौत में चले गए हो, इंशाल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले। कितना बेहतरीन ये तज़क्कुर है, ये नसीहत है। उसके अलावा सनन नसाई में भी इसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका ज़ियारत क़ुबूर का बताया, अस्सलाम वालेकुम दार कौमे मुमिनी, और फिर उसमें आखिर में वही व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून।
इंशाल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं अहले कब्र।